ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीजूतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितमांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरोगस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी दिना नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी दिनामी। नमस्ते सारस्वती देवे गुरुवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशक्त देश तारिणी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप भूमिका पेज 15 और 16 15 एंड 16 15 एंड 16। हरे कृष्ण। भूमिका तो आप सबों के पास गीता होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत गीता यथारूप ये आपके जीवन की प्रथम ग्रंथ है, शास्त्र है, जो आप अवश्य ही अपने साथ रखेंगे, हमेशा रखेंगे इस संसार में जब तक आप जीवित रहेंगे। और जब भी आपके पास समय होंगे तब आप उसको पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, इसके ऊपर आपने मनन चिंतन आप करते रहेंगे, है ना। ये आपके जीवन को संचालन करने के लिए कैसे करके जीव अपने मनुष्य अपने जीवन निर्धारण करेंगे, ये आपकी गाइड बुक है, आपकी 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 आपके जीवन किस तरह से जीना चाहिए, उद्देश्य क्या है ना, और उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी, वो इसी शास्त्र से आपको प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो आइए
गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। कौन सा गंतव्य? जहां हमको, जहां हमारे घर है, जहां जहां के हम हैं, है ना। हम इसी संसार में, ये जो जगह है, ये भौतिक संसार है, ये हमारे लिए फॉरेन कंट्री है, विदेश है ना। हम अपने गांव में, अपने घरों में वापस जाएंगे, है ना। वो खेत, वो खलियान, वो रास्ते, वो घर, है ना, माता पिता, सजन होते हैं। जब आप विदेश में रहते हैं और आप जब गांव की तरफ जाते हैं, तो आपके मनो में एक आनंद होती है, एक एक स्फूर्ति होती है, एक एक हृदय में हृदय उछल उठती है। बेशक आप बोल ना पाओ, किंतु आपके मनो में रहते हैं, गांव चलना है, घर चलना है, घरों की तरफ चलना है ना, गुरु की। तो हमारी गंतव्य है ना, हमारी गंतव्य, हमारी गंतव्य वो जो जगह है, वो है नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। जैसे आप हम इस संसार में रहते हैं, ऊपर की तरफ आप देखोगे आकाश है ना, ये भौतिक संसार के आकाश है। इस प्रकार आध्यात्मिक जगत की भी आकाश होती है ना, तो वो चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। इस संसार में हर चीज क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है ना। कुछ समय तक उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक वो रहता है, और कुछ बाद वो नष्ट हो जाती है। इस संसार के हर वस्तुओं की ये विशेषता है, ये गुणावली है। हर चीज क्षणिक है ना। ये शरीर, ये धन, ये लोग सब, है ना, जहां तक भौतिक शरीर की बात है, भौतिक चीजों की है, हर चीज यहाँ पर बनती और बिगड़ती है ना। अब देखे है ना, आप अनेकों, अभी आप मानो कि आप दिल्ली आए हो, तो आप गांव की तरफ जाओगे, आप देखोगे 5 साल 10 साल के बाद जा रहे हो, तो आप देखोगे मेरा गांव के रास्ते ही परिवर्तन हो गए। कितने सारे मकान बन गए, कितने कितने तालाब जो थे वो सब उसके ऊपर घर बन गए, कितने कितने पेड़ थे सब काट दिया गया है ना। वो हलवाई बदल जाती है, आप कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल चेंज लगता है। परिवर्तन इस संसार के नियम है। तो परिवर्तन के अर्थ क्या होता है? कुछ चीज जो आपने देखे होंगे वो चली जाएगी, कोई नया चीज आ जाता है। तो यहाँ, इसलिए यहाँ पर इस भौतिक संसार में हर चीज क्षणिक है, हर चीज क्षणिक है। वो बचपन वो चली गई, वो स्कूल की वो जीवन वो चली गई, कॉलेज में पढ़ाई करते समय अनेकों दोस्तों मित्र सब आज पता नहीं कहाँ चले गए, और हम हमारे शरीर बढ़ते चली गई है ना। बचपन के शरीर से जवानी, जवानी से आप बुढ़ापा की तरफ चले, है ना। देह नस्मिन यथा देह कोमरम जोवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, है ना। तो देखो हम बूढ़े होते हैं ना, भौतिक संसार, इस शरीर भी क्षण क्षण परिवर्तन होता है ना। तो परिवर्तन शब्द का अर्थ है वो छीन होती है, जो पुराना चीज वो नष्ट हो जाती, उसके बदले में नया चीज उत्पन्न होती है। तो हर पदार्थ क्षणिक है, यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, और कुछ गौण वस्तु उत्पन्न करता है, छीन होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। हम सबों को भी देखिए, हमारे शरीर को देखिए, शरीर है ना, माता पिताओं के द्वारा उत्पन्न हुई, ये शरीर तो भगवान कृष्ण के द्वारा है ना, पंचभूतों से बनी, बचपन के शरीर से बड़े हुए हम, है ना, धीरे धीरे बड़े हुए, स्कूल गए, स्कूल की घंटी निकल के हाई स्कूल से कॉलेज, है ना, ग्रेजुएशन किए, फिर हमने शादी किए, फिर पत्नी धारण किए या पति धारण किए, फिर बच्चे हुए है ना, और फिर हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, है ना, बूढ़े हो जाते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद ये शरीर छोड़ना पड़ता है ना। कुछ समय तक रहते हैं, कुछ पदार्थ उत्पन्न करता है। तो मैं पिता बना या माँ बने, तो मेरे भी पुत्र संतान, संतान आदि हुई है ना। तो हमने कुछ वस्तुएं उत्पन्न की है ना, भौतिक संसार है ना, या पेड़ बड़े हुए तो उसके फल उत्पन्न हो, तो फूल उत्पन्न हो, है ना।
तो कुछ वस्तु उत्पन्न करता और छीन होता है और अंत में लुप्त हो जाता है और फिर चला जाता है, नष्ट हो जाते हैं, है ना। भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत ले या फल का या किसी अन्य वस्तु का, भौतिक संसार की कोई भी चीज, आपके पद, आप जो पदों में हैं, है ना, आप गृहस्थ में हैं और आप घर के कर्ता हो, कुछ सालों के बाद कुछ बार देखोगे बच्चे लोग बड़े हो गए, वो घर संभालने लगे, हम बूढ़े हो गए, है ना, मेरे को तब सम्मान आदि करेंगे किंतु मेरी वो जो ठाट बाट थी वो चली जाएगी, है ना। मैं कितने बड़े व्यक्ति की हूँ, है ना, मैं जिस कंपनी में सर्विस करता हूँ वहाँ चेयरमैन के साथ हूँ, मैं मैनेजमेंट ब्लॉक में रहता हूँ ना, तो चेयरमैन जब साहब जब थे तो बिल्कुल बोल वाला थे, वो घर से चलना शुरू करते तो पूरा ऑफिस खड़े हो जाते, लिफ्ट, उनके ड्राइवर, उनके नौकर चाकर, हम सब लोग, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सब एकदम त्रस्त रहते हैं, है ना। कुछ सालों के बाद वो रिटायर बूढ़े हो गए, उनके बच्चे लोगों ने संभालने लगे, डायरेक्टर्स हो गए, वो घर पे रहने लगे बूढ़े, मेरा काम पड़ता था उनको जाके देखभाल करना, कभी हाय हेलो करना, तो मैं कभी जाता हूँ ना तो 15-20 मिनट के लिए जाऊंगा, बातें करूंगा, कुछ लेटर वेटर साइन करा लूंगा, फिर चले आऊंगा। वो लिटरली मेरा हाथ पकड़ते थे, आप थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा बातें करें, तो खूब बातें करते, वो खूब बातें करने चाहते, बूढ़े व्यक्ति क्या करे, कोई ना होता उनके, एक जमाने में चेयरमैन थे तो भाई उनके पीछे कम से कम हजारों लोग उनके साथ थे, आज जब बूढ़े हो गए बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे किंतु आज उनके पास कोई ना है, बात करने के लिए लोग ने, बाकी सेवक वेवक है, सब कुछ है, किंतु बातें किस किस के साथ कर। तो लिटरली मैं 10 मिनट के लिए जाता था, घंटा 2 घंटा बिताना पड़ता था, है ना। तो मैं तब समझ पा रहा था ये हमारी जो थर्ड वाट है वो कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, वो उसकी चीज एक दिन सब चली जाएंगी, पद चली जाएंगी, धन चली जाएगी, उनकी शक्ति चली जाएगी, उनकी सामर्थ्य चली जाएगी, और सब धीरे 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 नष्ट हो जाएगी, सब छीन होते चले जाएगी। भौतिक संसार की यही नियम है, परिवर्तन ही इसके नियम है, परिवर्तन ही इसके नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत ले या फल का या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से पर एक अन्य संसार है, यहाँ हर चीज परिवर्तन हो जाता, सब पुराना हो जाते है ना, कुछ चीज नहीं नया नहीं रहता, सब पुराना हो जाता, किंतु इसके अलावा भी, इस संसार से अलावा भी एक और संसार है और एक और जगह है ना, और एक जगह है जिसके विषय में हमें जानकारी है, श्री प्रभुपाद के तो हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है, इस संसार की प्रकृति से प्रकृति जैसा नहीं है, उस संसार की प्रकृति अन्य है, जो सनातन है, जो सनातन, सनातन शब्द का अर्थ है जो हमेशा रहने वाला है, कभी मिटने वाला नहीं है ना, कभी परिवर्तन नहीं होने वाला, कभी वो बूढ़े नहीं होने वाले हम, वो जगह है ना, वो सनातन है, वो सनातन है, सनातन मैंने हमेशा के लिए रहने वाला है, काल की प्रभाव नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर। जीव को भी सनातन बताया गया है और 11वां अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है ना, भगवान सनातन है, कृष्ण सनातन है, जीव सनातन है ना, नित्य नित्यानाम चेतनश्चेतननाम एको बहु नाम वितधातु काम, नित्य नित्यानाम, नित्य से नित्ता है ना, तो कृष्ण, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के अंश हैं, हम विभिन्न अंश हैं, ठीक है, बद्ध अवस्थाओं में हैं, किंतु है तो हम कृष्ण के, है तो हम कृष्ण के, कृष्ण सनातन है, जीव भी सनातन है, है ना, जीव भी सनातन है ना, जीव सनातन है, हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव, है ना, सनातन धाम आध्यात्मिक जगत है ना, गोलोक वैकुंठ आदि सब इस भौतिक संसार के सात आवरणों के ऊपर बीरजा नदी है, बीरजा के उस पार सब सनातन
जगत है, सारे सनातन लोग है, है ना, सब सनातन लोग है, अनगिनत वैकुंठ है, अनगिनत वैकुंठ कूप है, सर्वोच्च धाम गोलोक है ना, सब सनातन है, सब सनातन रहने वाले लोग, सब सनातन है, कार्य सनातन है, गति प्रकृति सनातन है, सब कुछ हमें प्रति रहने वाला, कभी भी प्रलय नहीं होने वाला, कभी नष्ट नहीं होने वाला। इस भौतिक संसार प्रलय होती है ना, ब्रह्मा जी के दिनों में परिवर्तन होती है, ब्रह्मा जी के एक दिन है ना रात शुरू हो जाता तो प्रलय हो जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी के आयु 100 साल के आयु पूरे कर पूरा प्रलय हो जाएंगे, पूरे पूरे ब्रह्मांड नष्ट होगी, जिस ब्रह्मांड के वो ब्रह्मा जी है ना, यहाँ प्रलय है, यहाँ नष्ट है, किंतु सनातन जगत की कोई प्रलय नहीं है ना, शाश्वत। तो भगवान सनातन है, उनके चिन्मय जगत सनातन है, और तो और जीव सनातन है ना, हम सनातन है। आप अपने हाथ अपने सीने में रखो, आपको ठंडक लगेगी। अब देखो जी, हम मरेंगे नहीं, कभी कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे, न जायते मृते व कदाचि नायम भूत्वा भविता व भूय अजो नित्य शाश्वत अहम पुराण न हन्नते हन्न माने शरीरे। ये शरीर नष्ट हो जाएगी किंतु मैं कभी भी नष्ट नहीं होगा, है ना, क्या अद्भुत है, बताओ किस चीजों की डर, बताओ, कभी नहीं मरने वाला है ना, कभी ना मरने वाला, कभी ना मिटने वाला, मैं सब हमेशा रहने वाला, जीव भी सनातन, हम सब भी सनातन है ना, सब भी सनातन, सब भी सनातन, अद्भुत ना। तो फिर किस चीजों की भय, जब मैं मरने वाला नहीं हूं, मिटने वाला नहीं हूं, तो फिर किस चीजों की भय, किस चीजों की भय, मैं कृष्ण के हूं है ना, कृष्ण लोक मेरे घर है, वो मेरी जगह है ना, वहां मेरे को वापस जानी, ठीक है, इस समय मैं भटक गया हूँ, भूल गया हूँ और इस भौतिक संसार के दुखों की चपेट में आ गया हूँ, किंतु हूं तो मैं सनातन, कृष्ण जैसे सनातन है, कृष्ण की जगत सनातन है, मैं भी जीव हूं, मैं भी सनातन हूँ। अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव को शाश्वत, जीव की शाश्वत वृत्ति है हमारी, हमने डरा हुआ है, हम हर कदम डरते, मरने वाला, बूढ़ा होने वाला हूँ, मेरी धन नष्ट होने वाला है, मेरा बुद्धि खराब होने वाला, मेरी शक्ति जाने वाला है ना, हम हमेशा डरे हुए रहते, किंतु मैं सनातन हूँ, मैं मरने वाला नहीं, कोई नहीं मार सकते, ना हन्नते हन्न माने शरीर, ना हन्नते हन्न माने, शरीर तो नष्ट हो जाए किंतु आपको कोई नहीं मारता, जीव कभी भी नष्ट नहीं होगा, है ना। तो हम अस्थाई रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले, तो हमारे सारे कर्म शुद्ध हो जाए, यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। भगवान कृष्ण के तो पुत्र क्यों फंसता है इस भौतिक संसार में, मेरी तरफ देख, मैं हूं ना, है मैं हूं ना, मेरे पास वापस आ, है ना, मेरी तरफ उन्मुखता उत्पन्न कर, विमुख मत हो मेरे से, मेरे से दूर रहेगा तो दुखी रहे, तू ऐसे क्यों नहीं करता है, तू मेरे साथ क्यों नहीं संबंधित हो जाता, मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ने के लिए प्रयास करता, मेरे साथ चलने के लिए अभिलाषा क्यों नहीं उत्पन्न करता, तू मेरे साथ मेरे घर में वापस क्यों नहीं आना चाहता। भगवान कृष्ण की निमंत्रण है गीता, ये इनविटेशन लेटर है, ये इनविटेशन, देखो जी मेरी जगह में आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, है ना, ये इनविटेशन लेटर है, इनविटेशन 700 श्लोक आपकी निमंत्रण दे रहे हैं। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन है, और जीव भी सनातन है, सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति है ना,
घर वापस जाएंगे, कृष्ण के साथ रहेंगे, वहीं रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे मस्त करेंगे, गाएंगे नाम जपेंगे सेवा करेंगे, अपने घरों में रहेंगे, विदेश में क्यों रहें बताओ, बड़ी झंझट है यहाँ, कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, और फिर यहाँ पग पग भी दुख है, पदम पदम जब भी पदम नाते से, हर बार मर सब चीजों के डर रहता है, धन नष्ट होंगे, शक्ति नष्ट हो जाएंगे, आंखों में दिखाई नहीं देंगे, जन नष्ट हो जाएंगे, ये खो जाएंगे वो खो जाएंगे, है ना, जबरदस्ती चपेट में रखता है, नहीं रहना आपको डरा हुआ डरे हुए नहीं रहना चाहता, जब मैं मरूंगा ही नहीं, मर कोई मरने वाला नहीं, तो मरने की भय क्यों, मरने का भय क्यों, मरने का भय क्यों, तो मैं तो कृष्ण के हूं, और कृष्ण लोकों में भगवान कृष्ण के साथ संयुक्ति मेरा मेरा मानव जीवन की सार्थकता है, यही मेरा जीवन की सार्थकता और यही मेरा जीवन की उद्देश्य भी है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज है, आत्मज आत्मज आत्मा से उत्पन्न व निजी जन है, आत्मज शरीर से है ना, भगवान कृष्ण से आप कृष्ण के आत्मज है, मैंने कृष्ण से उत्पन्न हुए, कृष्ण हमारे पिता है, ममी वंश जीव लोके जीव भूत सनातन है ना, भगवान कहते हैं मेरा अंश है जीव सनातन अंश, फिर भगवान कहते हैं पिता अहमस्य जगोत जगत माता धाता पिता, मैं पिता हूं, मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मैं धाता हूं, गतिर भर्त प्रभु साक्षी, मैं तो जीवन के लक्ष्य हूं, मैं प्रभु हूं, मैं साक्षी हूं, है ना, अजम अव्ययम बीज अजम अव्ययम, मैं सब कुछ हूं, आपके जीवन के लक्ष्य हूं मैं, है ना, गति भरता में भरण पोषण करने वाला मैं प्रभु हूं, मैं देख पुत्र तेरे लिए तो मैं ही सब कुछ, है ना, तू मेरा अंश है ना, अंश है, पिता के पुत्र होने के नाते पुत्र आत्मज कहलाता है ना, पिता के हम कृष्ण के आत्मज है ना, कितनी बड़ी, कितनी बड़ी घर के हैं बता, क्या खानदान है, क्या परिवार है ना, मेरे पिता है ना, भगवान भगवान कहते हैं है ना, भगवान कहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है सर्व जो निष्कंते अहम बीज प्रद पिता, मैं सबका पिता हूं, सारे जीवों के पिता है, मैं भी जीव हूं तो मैं भी, मेरे भी पिता है और कृष्ण मेरे पिता है, है ना, मैं उनके संतान है ना? संतान कितने बड़े क्या किस घर के हूं मैं, सोचो सोचो आप सोचो, आपको ना हृदय में ठंडक पहुंचता है, आपको ना आप लोगों को क्या कमाल है बताओ, मैं कृष्ण मेरे पिता है और मैं यहाँ घुटने के बल पे रोज रेंगता हूँ यार, है ना, रोज दुखी होता हूँ, रोज मरता हूँ, रोज छोटी छोटी चीजों में अपने को फंसाता रहता हूँ और दुखी होकर शुरू करता हूँ और दुखों से सो जाता हूँ और फिर दूसरे दिन कल सुबह फिर दुखों से शुरू करें और मरते दिन के दुखों के चपेट में रहेंगे, अरे आप बताओ, कृष्ण मेरे पिता है, उनका मैं पुत्र हूं, धनवान के पुत्र होने से आप देखा ना यहाँ के जो एक जिसके पिता धनवान है उसका उसका बेटे बड़े बड़े गाड़ी में चढ़ता है और चलाता है और कॉलेज में पढ़ते समय दिखा था ना, मैं उसके पिता हूँ है ना, और हम लोग भी दिखते हो तो भैया ये क्या लड़का है, इसका पिताजी को पता है क्या है, है ना? आपको पता है आपका पिताजी कौन है ना, हमारी है ना, मेरी पिताजी कृष्ण है जो है ना गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत भगवान के, मैं गोलोक में रहता हूँ है ना, और मैं सबों के पिता हूँ, कृष्ण घोषणा करता है, अहम बीज प्रद पिता, मैं सबके पिता सबके पिता, तो सबके माने तो मैं भी जीव हूं तो मेरे भी पिता है, मेरे भी पिता है, ऐसा थोड़ी है मैं निर्धन व्यक्ति हूँ और बिल्कुल अज्ञानी हूँ और बिल्कुल बदसूरत हूँ और क्या क्या बोलो, जो जो बोलना बोलो, जो आपके मन में आए है ना, बिल्कुल लाचार हूँ और तभी भी मैं तो कृष्ण के हूँ,
किसने दिल ठोक के बोलते है ना, किसने बोलते समय बिल्कुल, निभाते समय बिल्कुल एकदम, है ना, मनुष्य नहीं निभा, हम लोग जीव नहीं निभा पाते, है ना, कृष्ण कभी नहीं भूलेंगे। और कृष्ण अपने संबंध को हमेशा हमेशा रक्षा करने के लिए तत्पर रहेंगे, वो कभी च्युत नहीं होते, वह च्युत कहलाता है कृष्ण। हम जीव च्युत हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम अपने को छोटे कर देते हैं, हम उदासीन हो जाते हैं, हम सोचते पता नहीं कृष्ण भूल गए क्या हो गए, देखो जी इतना कष्ट है, इतना पीड़ा है, और पता नहीं भगवान मुंह फेर लिए हो गए, मुंह फेर लिए हो, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कितनी भी पीड़ा हो ना, कितने भी कष्ट हो, हम कहेंगे हे कृष्ण, है ना, मैम बहुत ही कष्ट है मेरे को, आप रक्षा करो, रक्षा करो, अवश्य रक्ष वे कृष्ण विश्वासो पाल। कृष्ण आपने स्तर से रत्ती भर च्युत नहीं होंगे, अच्युत कहलाता है ना, ऐसा नहीं होगी किसी दिन किसी जोगों में किसी समय में वो जीव को भूल जाएंगे, है ना, और निष्ठुर हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, ऐसे कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी। निस्संदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की जीव है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उस उन सबके पिता है, उन सबके पिता है, सिर्फ मनुष्य के पिता है और कीड़े मकोड़े के पिता, ऐसा भी नहीं है, है ना, है ना, सबके पिता है, समस्त जीवों के, अहम बीज प्रदा पिता, इसीलिए हम तो जिए, है ना, और बाकी को तो सब मार दे, है ना, ये भगवान क्या करना, दिक् पुत्र तू भी मेरा पुत्र है, बाकी भी मेरा पुत्र, ठीक है, मेरा बड़ा पुत्र है, छोटे पुत्र है, मध्यम पुत्र है, किंतु है तो सब मेरा संतान, है ना, तो हम सब भाई भाई हुए देखा जाए, है ना, एक ही पिता के पुत्र होने के नाते हमने एक ही परिवार के हैं सब लोग, है ना, एक ही गोत्र की है, और क्या क्या बोलो, सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो, एक ही पिता के पुत्र होने के नाते क्या क्या बोलना चाहिए, जब हम बोलते हैं देख भाई, भाई भाई हम बोलते हैं, है ना, भाई बहन बोलते हैं, फिर एक ही घर के हैं, खूब लड़ते खूब झगड़ते, कि तो फिर थोड़ी देर बाद है ना मेरा भाई, है ना, हम सब मानते तो है, तो हम है ना, इस चीज को हम याद रख पाए जो हमारे सबके पिता कृष्ण हैं, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम कुछ लड़ेंगे नहीं कभी, और किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, है ना, भिड़ेंगे नहीं, हाँ भाई भाई लोग भिड़ जाते हैं थोड़ा सा, है ना, सामान के लिए छोटी सी पेंसिल के लिए भिड़ते हैं, घंटे दो घंटे बाद फिर गलवाही देते हुए घर वापस जा रहे पिता, है ना, घर माँ है, पिता है ना, घर तो जाना ही है ना, घर तो जाना ही, जितने सारे झंझट तो इस भौतिक संसार में, यहाँ पर है ना, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं जे नाना प्रकार के जीव है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता, अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों को उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते, है ना, भगवान कृष्ण की आते क्यों आते हैं संसार में, आते इसलिए जो सारे पतित बद्ध जीवों को उद्धार करके ले जाना चाहते हैं, है ना, हम सब पतित हो जाते हैं, हम बद्ध अवस्था को प्राप्त होते, किंतु कृष्ण कभी बद्ध अवस्था प्राप्त नहीं, कृष्ण आते ही संसार में अवतरित होते हैं हम सबों को पतित जीवों को उद्धार करके ले जाने के लिए, जिससे सनातन जीव भगवान के नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। हम सनातन ही, किंतु हम भौतिक संसार के चकाचर में प्रलोभित होके इसके तरफ उन्मुख हो गए, है ना, सनातन धाम को भूल गए, कृष्ण को भूल गए, है ना, और इसमें इसमें आबद्ध हो गए, है ना, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छे करेंगे अपना पुरुषार्थ के लिए, हमने सोचा भक्ता तो मैं ही बनेंगे, भगवान कृष्ण के, कृष्ण से हमें पीछा छुटा लिया, है ना, हमें छोड़ने के लिए छोड़ दिए और इसे संसार में आके दिए, तो कृष्ण से विमुखी हमारे जीवन के सब दुखों के कारण है, हम अपने सनातन जगह में वापस चले जाए, कृष्ण से संबंधित हो जाए,
फिर अपने सनातन जीवन को दोबारा प्राप्त कर लेंगे। हम है ही सनातन थे किंतु बद्ध अवस्थाओं में भूल गए, इतने बड़े घर के बच्चे हैं भूल गए, और दूर दूर ठोकर खाते रहते हैं, है ना, दुख उठाते रहते, झेलते रहते हैं, है ना, रोते रहते हैं, है ना, हाय हाय क्या होगा, मेरा सब चला गया, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 दिन के बाद क्या होगा, है ना। हमारे तो डर ही डर है, डर से हम जीते हैं, डर से शुरुआत करते, डर से सोते हैं और डर से जागते हैं। तो भूल गए ना हमने सनातन जीवन, भूल गए हमने घर, भूल गए हमने पिता को, भूल गए हमारे, मैं भी सनातन, ये भी मैं भूल गया, ये भी मैं भूल गया। तो दोबारा प्राप्त कर सके इसीलिए कृष्ण यहाँ पर आते हैं और बुद्ध जीव को उद्धार करके ले जाते हैं। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं, या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्र पार्षद या आचार्य के रूप में इन बुद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए भेजते हैं, है ना, गुरुदेव, है ना, भेजे श्रील प्रभुपाद, समस्त आचार्यों को भेजते हैं, है ना, कितने सारे भक्त जन है ना, कितने प्रभु जी किस फेरे में पड़ते हुए कहाँ फंस गए आप, चलो उठो जपो माला, है ना, भगवान को याद करो, कृष्ण नाम उच्चारण करो, भागवत श्रवण करो, सेवा शुरू कर दो, कहाँ फंस गए हो जी, चलो हाथ पकड़ेंगे फिर आपको निकालते ले जाते हैं, है ना। कोई भक्त माला नहीं जपेंगे, हम कहते हैं क्या प्रभु जी क्यों पड़ गए, कितने सारे भक्त है ना, मेरी वो हाथ पकड़ने वाला जिन्होंने मेरे को माला सिखाए, जिन्होंने मेरे को भक्ति के क्षेत्र में लाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं, बोले हमको, है ना, फिर एक दिन गुरुदेव के चरण आश्रित कराए से दीक्षा प्राप्ति हुई, है ना, आज मैं भक्ति के संचालन करता हूँ, हम सब लोग करने के लिए पास कितने भक्त सहायता करते हैं, कोई कोई सुबह सुबह उठाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, अनु माता दी फोन करती है, मेरे को इतने अच्छा लगता है, इतने अच्छा, मैंने बहुत सालों तक मैंने 30 साल भक्ति किया, इतनी आनंद मैंने कभी नहीं किया जी, मेरे को कोई उठाने वाला जगाने वाला नहीं, गुरुदेव हमेशा मेरे लिए शिक्षा गुरु, मेरी दीक्षा गुरु, मेरा पथ प्रदर्शक गुरु, मेरा मिले भक्त, मेरी इस्कॉन, एक ही व्यक्ति मैं जानता हूँ, है ना, गुरुदेव की कृपा से अनेकों बड़े परिवार प्राप्ति हुए, अनेकों अनेकों भक्त परिवार हुए, है ना, मेरे को इतना मिठास अनुभव होता जी, कोई जगाने वाला भी, कोई जगाने वाला भी, कोई जगाने, हर भक्त है ना भगवान कृष्ण ने दिए हम सबों को बचाने के, है ना, जैसे हम कृष्ण को भूल ना जाए, हम भक्ति कर पाए, हम भक्ति कर पाए, है ना। तो कृष्ण खुद आते हैं, अनेकों अवतार धारण करते, अपने विश्वस्त जनों को पार्षदों को भेजेंगे, है ना, जो गुरुवर हैं आचार्य, अपने प्रिय भक्त जनों को भेजेंगे, अपने सेवक जनों को भेजेंगे, हर तरह से तत्पर रहते हैं, साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख है सही जीव निस्तारे माया, साधु भी कृष्ण प्रदान करते, शास्त्र भी कृष्ण प्रदान करते, खुद आते हैं, और नहीं तो अनेकों अनेकों विश्वस्त जनों को भेजते, कृष्ण हमेशा सोचते रहते इस पुत्र को मैं उठा, मेरे को वापस ले जाना, ये बेचारा क्यों मेरे तरफ नहीं आना चाहता है, मेरे साथ संबंधित क्यों नहीं होना चाहता है, मेरे से बिछड़ के रहे तो दुखी रहेगा, इसका तो ये कभी आनंद की अनुभव नहीं कर पाएंगे। एक जीव जितना सोचते हैं ना, दुखों की चपेट में पड़ रहे, जितने वो हाय भरते हैं, उसी हायों के साथ कृष्ण भी हाय, मैं और क्या करूं पुत्र, क्या करूं मैं, है ना। कृष्ण परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान होते हैं, है ना, जो जीवन है कृष्ण ने प्रदान किए, जो प्राण जो आत्मा है वो उन्हीं के अंश है, जिस पदार्थ हो शरीर बनी है पंचभूत, तो उन्हीं की प्रतिदेह हुए, सारे संसार उन्हीं के, भगवान निरंतर प्रयत्न करते हैं, जी ये पुत्र मेरे साथ वापस जाए, इस बार तो वापस जाए, इस बार तो मेरे साथ वापस जाए, है ना, बद्ध अवस्था को अतिक्रम करके मेरे साथ रहे हमेशा के लिए, हम पिता पुत्र कृष्ण, है ना, पिता को पता चले पुत्र घर आए और रहेंगे बहुत दिन, मतलब वो पूछते पुत्र बहुत जल्दी है चले जाओगे क्या, तो हम कहते
एक दिन के 2 दिन की टिकट से है। तो पिताजी हाथ पकड़ते हैं और थोड़ी सी मौन होते हैं और सोचते ठीक है। मैं अपने पिताजी की भावनाओं से कृष्ण की भावनाओं को हमेशा लीन करता, तो मैं सोचता हूँ इस भौतिक संसार में कि इस जीवन में मेरा पिताजी हाथ पकड़ के कहते पुत्र एक दो दिन और रह जा सकते तो अच्छा रहता, अच्छा होता है। तो मैं सोचता हूँ भगवान कृष्ण कितने उतावले होंगे, कितने उतार होंगे इस भौतिक संसार के। जो भी पिता माता है वो भी हम इस जीवन के पिता माता है, वो एक इस जन्म में इतना उतारू है, इतना उतारू है, इतनी तन्मयता है पुत्रों को 2 दिन रखने के लिए, 3 दिन रखने के लिए अनुनय विनय करते हैं और आंखों में अश्रु भी होते हैं। तो भगवान कृष्ण की आंखों में कितना होगी, कितना होगी, वो कब से खड़े होते हैं, कितने जन्मों तक खड़े होगा, है ना? तो कितनी आतुरता होगी, कितनी आतुरता होगी, है ना? भगवान कृष्ण हमेशा आतुर रहते, हमेशा आतुर रहते। मंदिर में जब हम जाते दर्शन करने तो भगवान आंखें फाड़ के देखेंगे, कहेंगे पुत्र इतना देर बाद, इतने दिनों बाद क्यों आए, बहुत दिनों बाद घर जाते हम। तो पिताजी पूछते ना पुत्र बहुत दिन हो गए, इतना दिन बाद आए ना, बहुत दिन हो गए पुत्र, बहुत दिन हो गए, है ना? मैं तो कब से बाटे देख रहा हूँ, कब से 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 देख रहा हूँ। कृष्ण कब से देख रहा है बाट, कब से देख रहा है, कब वापस आए, कब वापस आए, है ना, कब वापस आए। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है, यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म का सूचक है, यह सनातन है ना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म तथा वृत्ति को बताता है। जीव के नित्य धर्म क्या है, वो अपने पिता से भगवान कृष्ण से संयुक्त हो जाए, संबंधित हो जाए, है ना, वो अपने घरों में वापस चले जाए, है ना, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना, या मुक्तिर हितवा अन्यत्र रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति के अर्थ है अपने स्वरूप में चले जाए, अपने घर चले जाए, अपनी जगह में चले जाए, है ना, पिता के पास चले जाए, है ना। ये उनकी वृत्ति है, जीवों की ये वृत्ति है और ये वृत्ति नित्य है और ये नित्य धर्म है जीव की, यही नित्य धर्म है, यही नित्य धर्म है। श्रीपाद रामानाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिनका जिसका न आदि है और न अंत है। सनातन तो वह है जन आदि है और न अंत है ना, आदि। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न अंत है, ये सनातन धर्म जिसकी कभी शुरुआत ही नहीं हुई और ना कभी नष्ट भी नहीं होगी, है ना, ना आदि है ना अंत है। भगवान अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, भगवान की ना आदि है ना अंत है, जीव का ना आदि है ना अंत है ना, ऐसी आगे आगे। अंग्रेजी का रिलीजियन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है, रिलीजियन में रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है, किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। आज मैं हिंदू धर्म में हूं तो मैं कुछ वृत्ति है, कुछ लोकाचार है पालन करता हूं, है ना, मैं मानो कि मैं ईसाई बन गया तो फिर उसकी वो जो विश्व उनकी जो आचार व्यवहार वो करते रहूंगा, है ना। थोड़ी दिन बाद थोड़ी साल बाद मानू कि मैं भाई दूसरे देश में चला गया और वहां मैं मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया,
उनके मुताबिक मैं चलूंगा, आचार विधि पालन करूंगा। तो ये रिलीजियन शब्द विश्वास है, रिलीजन शब्द का अर्थ विश्वास। कुछ सालों में कुछ चीजों में विश्वास, कुछ सालों के बाद कुछ चीजों में विश्वास, कुछ सालों के बाद कुछ चीजें। ये मेरा नित्य धर्म तो बिल्कुल नहीं, ये तो इसी जीवन में परिवर्तन हो जाता है ना। तो रिलीजन शब्द है, मैंने किसी एक चीजों में विश्वास है तो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद फिर वो परिवर्तन हो जाएंगे, है ना। तो जो तो ये तो सनातन नहीं हो सकता। तो सनातन वो चीज है जो कभी भी नहीं बदलेंगे, ना इस जीवन में बदलेंगे, ना इसके बाद के जीवन में बदलेंगे, इस शरीर में भी नहीं बदलेंगे, शरीर में रहते हुए ना बदलेंगे। जब ये शरीर नष्ट हो जाएंगे, हम आगे की रास्ता तय करेंगे, दूसरा शरीर धारण करेंगे, तब भी वो परिवर्तन नहीं है ना। आप सोचो हम कितने करोड़ों जीवन अतिक्रम करते हैं, कीड़े मकोड़े है ना, पशु पक्षी है ना, 84 लाख प्रजाति, जलज वृक्ष, जल में 9 लक्ष जीव रहता है, ऐसे पशु, ऐसे पक्षी, मनुष्य 4 लक्ष प्रजाति आदि है ना, ऐसे 84 लाख प्रजाति। एक एक प्रजातियों में भी बहुत बार जन्म हुए, ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार जन्म होगी एक प्रजाति को लाऊंगी, बहुत बार हो सकते हैं ना, है ना। कितने कितने जगह में, कितने कितने प्रजाति हमने, है ना, कितने कितने घरों में जन्म हो, कितने कितने बार जन्म हो, कितने कितने, तो कितने कितने गुणों को अर्जन किया है ना, कितने कितने माता पिता हुए, कितने कितने संतान आदि हुए, कितने कितने घर हुए, है ना, कितने कितने नया नया जगह हुई, है ना, नया नया, ठीक है हम भूल गए अलग बात है ना, किंतु यही सिलसिला चल रही, यही चली। तो वो सब तो परिवर्तन हो गए, वो सनातन थोड़ी है। सनातन क्या चीज है, मैं जीव जो है वो सनातन, मैं मरूंगे नहीं, मेरा शरीर परिवर्तन होगा किंतु मैं तो जीवित रहूंगा, मैं मरने वाला नहीं हूं, और मैं कृष्ण के ही हूं और हमेशा भी कृष्ण के ही रहा, किंतु मैं भूल गया है ना। कृष्ण तो हमेशा सनातन है, कृष्ण की जगत भी सनातन है, और मैं भी कृष्ण जीव होने के नाते मैं भी सनातन हूं, किंतु मेरी परिवर्तन, मेरी भावनाओं की परिवर्तन हुआ, मेरे में आवरण हुई, और मैं किसी जन्म में तो हिंदू बना, किसी में तो मुस्लिम बनी, किसी में तो ख्रिस्टान बना, मनुष्य में आज मैं भारत में जन्म है तो हिंदू के घर में, कल मेरे को अरब कंट्री में जन्म हो जाएंगे अगले बार तो मुसलमान कहना होगा, फिर जन्म हो गया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका आदि में जन्म हो गया तो, और ईसाई आदि धर्म हो गया, तो ये तो परिवर्तन है, ये तो परिवर्तन, किंतु तो जो चीज मेरी परिवर्तन नहीं है, मैं कृष्ण के हूँ, कृष्ण मेरा पिता है ना, मैं तो उन्हीं का ही हूँ, उन्हीं का ही रहूंगा। विश्वास मेरा परिवर्तन होता रहे, अलग अलग चीजें धर्मों में ग्रहण करता रहूं, किंतु तो सनातन वृत्ति, सनातन मेरा धर्म है, मैं कृष्ण का हूँ है ना, और ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते हैं मेरे अंश है पुत्र, तो सनातन अंश हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, हिरण के जन्म हो, मनुष्य के हो, किसी में भी हो, किंतु तो है तो तू मेरा, तो ये सनातन धर्म है, ये वृत्ति है ना, जो बदला नहीं जा सकता वो सनातन। उदाहरण तो ना तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती, जल है तो नीचे प्रभावित होगी, उसकी तरलता होगी, ये उनका धर्म है और विशेष धर्म है जो परिवर्तन नहीं होगी। ना अग्नि से उष्मा विलग की जा सकती, ठीक उसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है, सनातन धर्म, सनातन धर्म क्या है, मैं कृष्ण की हूँ, कृष्ण के लोक में वापस जाना है, कृष्ण के साथ संबंधित होनी है, कृष्ण के सेवक बनना है ना, ये सनातन, ये सनातन धर्म। अतः जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुचार्यों के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है ना अंत है, जिसका आदि या अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, ना आदि है ना अंत है, तो कौन सा सीमा न में बांधेंगे, अमेरिका में जन्म हो गई तो अमेरिकन कहलाओगे, किंतु अगले बार भारत में जन्म हो गए तो इंडियन कहलाओगे है ना, फिर अगली बार चाइना में चले गए तो चाइनीज कहलाओ, किंतु मैं तो ना चाइनीज हूँ ना अमेरिकन हूँ ना इंडियन हूँ, मैं तो साथ साथ जीव
सनातन हूं कृष्ण की, वो परिचय कभी भी परिवर्तन नहीं होगी, हमेशा कृष्ण के ही रहेंगे, है ना। कृष्ण मेरे पिता, ये कभी परिवर्तन नहीं होगी। हाँ, लौकिक अनेकों पिता माता होगी, और अनेकों देश होगी, अनेकों सजन होगी, अनेकों जगह होगी, तरह तरह के शरीर होगा, है ना, किंतु वो परिवर्तन नहीं है ना। तो क्या परि वो सनातन है, तो है ना। तो रामानुचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए तो उसका ना तो आदि है ना अंत है। जिसका आदि अंत नहीं है वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, उसे किसी सीमा पे नहीं माना जा सकता। जिसका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने को भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचे तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। भरत महाराज राजा थे, उन्होंने सोचा भक्ति ठीक से नहीं करता, राजा की बड़ी झंझट है। जवानी में अपने बहुत सुंदर पत्नी और साम्राज्य छोड़ के पुलह आश्रम में, गंडकी नदी के तट पे बिहार में आज भी वो पुलह आश्रम है, वहां पर आए और बिल्कुल भक्ति में लग गए, और भाव भक्ति के स्तर में थे, प्रेमा भक्ति के स्तर प्राप्त करने वाले थे, करने वाले चौकट तक पहुंच गए थे। एक दिन अपनी कुटिया में बैठ के भगवान के नाम उच्चारण करने ही वाला कर ही रहे थे, आंखें बंद करके कर रहे थे और कभी कभी खोल खोल खुल भी होते, है ना, खुला होते, खुले आंखों में देखे वो हिरन के धार सुन के, बाघ या सिंह के धार सुन के एक गर्भवती हिरनिया नदी पार करने के लिए छलांग लगाई डर के मारे, तो गर्भपात हो गई, वो हिरन तो मर गई माँ हिरन, वो और बच्चा जो जन्म ली वो नदी के जलों में प्रभावित होने लगा। हाय हाय मर जाएंगे, ना देख के भक्तों के हृदय तो कोमल होते ही है, उसको उठा लाए आश्रम में रखे, आसक्त हो गए। शरीर छोड़ते समय भरत महाराज हिरन के बच्चे के बारे में सोच लिए, कालांजार पर्वत में जन्म हो गया, हिरन के जोनी में हिरण की जोनी में जन्म हो गए, मनुष्य जोनी में थे, सीधा जाके कालां दक्षिण भारत के कालांजार पर्वतों में हिरण माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं। जन्म होते ही भगवान की कृपा से उसको अंग्रेजी में, नहीं ये क्या किया, ये तो पशु जोनी है मेरा, ये तो इसमें तो ना नाम जप कर पाऊंगा, ना साधन होगी, ना वेदोक्त उच्चारण होगी, ना सुना क्या करूं, ये तो बड़ी बेकार परिस्थिति उत्पन्न हो गया। हाय हाय क्या होगा, है ना। जोनी परिवर्तन हो सकता है किंतु जीव तो शाश्वत ही रहता है, परिस्थिति परिवर्तन हो सकता है ना, परिवर्तन हो सकता, परिवर्तन हो ही था, हुआ था ना उनके, किंतु शाश्वत जीव तो वही रहता है। भगवान ने याद दिला था तो घूम के वापस आए, पर्वतों के बीच में से वो वापस आए, जहां मैंने गिरा था वहीं वापस चल, है ना। हम जानते हैं भरत महाराज की कथा उसको, तो वो अपने सनातन धर्म को भूले नहीं थे। जब मेरे को नहीं रहना है हिरण जोनियों के गोट में, हिरण माता है, हिरण जो की माँ है, भाई बहन है, इन लोगों के बीच में मैं रहूंगा ना, खेलते कूदते रहो खाते रहो, तो मेरा तो और अधिक पतन हो जाएगा। मेरे को तो जल्दी छोड़ना है, पत्ते मत्ते खाना छोड़ दिया, खड़े होकर सोचता था, माँ सोचती थी ये मेरा बच्चा क्या है, ये क्यों नहीं चलता है, बाकी लोगों के जैसे करता क्यों नहीं। इन्होंने सोचा मैं को यहां नहीं रहना है, वो पूरा टोली छोड़ दिया, उन्होंने कलांजर पर्वतों की वहां से घूमते फिरते चलते चलते वो फिर पुलह आश्रम में वापस आए, उस जहां जगह से गिरे थे, उन्होंने मनुष्य जोनियों में थे आज तो पशु जोनियों में जाकर के, तो लिटरली रोते थे, आंखों में अश्रु होता था, वो जीभा उलट के भगवान के नामों को उच्चारण करने के लिए प्रयत्न करता था, वो मनुष्यों में जो कर रहा था ना वो सब चीजों को धारण करना चाहता था, कैसे होगा संभव ना, शरीर परिवर्तन हो चुके थे तो और कष्ट होता था, और कोसे वो चारों तरफ घूमता था, साधु जनों को देखता था, वो हाई भरते थे, जब मैंने क्यों ऐसा किया, हे कृष्ण क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों सोचा,
शरीर छोड़ते समय क्यों नहीं मैंने अपना सनातन धर्म में आपने सम्मिलित हो गए, मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, है ना। तो इसमें इसमें जो है शब्द है, तो सनातन आप जो धर्म है आपका, आप हिरण की जड़ी में रहो, भरत महाराज की जड़ी में रहो, राजा की जड़ी में रहो, फिर ऊर्ध्वलोक में देवता की जड़ी में आ जाओ, फिर जनलोक तपलोक में वहां पर भी आप जड़ी में रहो, फिर ब्रह्मा जी बन जाओ, है ना, कुछ भी बनो, कुछ भी। हर जीवों की सनातन क्या है, कृष्ण मेरा पिता है, कृष्ण के पास वापस जाना, उससे संबंधित होने, उनके चरण आश्रित होने, है ना। नहीं तो मैं कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक के डुबाए, दंड जने राजा जन नदी पे चुबाए, कभी तो ऊपर उठेंगे कभी नीचे जाएंगे, है ना। जैसे गलतियां करने से राजा उस व्यक्ति को पकड़ लेता है, उसके सैनिक, और जलों में डुबो के रखता है, वो फिर मरने वाला होता, फिर उसको थोड़ा सा निकालता है, फिर सांस लेता, फिर डुबोता है। जीवों की परिस्थिति ऐसे, हम सबों की परिस्थिति ऐसे ही है ना, हम सबों की परिस्थिति इस तरह से है। तो हम सब जीवों की, समस्त ब्रह्मांडों के समस्त जीवों की सनातन धर्म किंतु एक ही है, सबके परिचय भी एक ही है। ममी वंश जीवलोक की जीव भूत सनातन, सनातन अंश हूं कृष्ण के हम, ये परिचय हमारा कभी भी नहीं मिटने वाला, कोई नहीं मिटाने वाला, कभी कोई नहीं छीनने वाला ये परिचय, है ना। और मैं कृष्ण के ही रहूंगा, अब मैं भूल गया हूं तो मैं देवता रहूं, मैं ब्रह्मा जी रहूं, मैं लोकपाल बनूं, मैं पशु बनूं, पक्षी बनूं, मैं नरक लोकों में जाऊं, कहीं भी जाऊं, मेरी परिचय परिवर्तन नहीं होगी, है ना। तो मैं ब्रह्मांड के कहां भी रहूं, मेरी सनातन धर्म कभी भी परिवर्तन नहीं होगी, परिवर्तन भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठ में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्मों के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहां तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्र का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती, ना जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता भवेयः, अजो नित्य शाश्वत अहम् पुराणो ना हन्नते हन्नमाने शरीरे। हम पुरातन नहीं होंगे, शाश्वत है, सनातन रहेंगे। मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा क्यों, बिल्कुल नहीं मरने वाला, बिल्कुल नहीं मरने वाला, है ही नहीं मेरा जन्म, मेरा शरीर की जन्म है तो शरीर की मृत्यु होगी। मैं तो सनातन हूँ कृष्ण, मैं सनातन अंश हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं जगह परिवर्तन करने वाला, किंतु मेरा अच्छी स्थिति तब होगी जब मैं अपने पिता के घर वापस चले जाऊं, मैं गोलोक वापस चले जाऊं, मैं कृष्ण की चरण आश्रित हो जाऊं, वो मेरे लिए अच्छा है ना। बासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरः परायण तथा विहाय। कपड़े पुराना हो जाता तो मनुष्य कपड़े छोड़ देता है, इसलिए शरीर पुराना हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, पुराना शरीर को छोड़ के अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि, नया शरीर मिलने वाला। बूढ़े पर बूढ़ा हो गया, छोड़ो यार इसको, जल्दी छोड़ो। क्या है, हमारे गुरुदेव बड़े अच्छे कहते कहते हैं गाड़ी पुराना हो गया, खटारा हो गया, उसका इंजन फेल हो गया, उसका बॉडी पार्ट खराब हो गया, उसका कालार सीका पड़ गया, क्या करोगे लेके उसको, है ना। उसके टायर वायर सब खराब हो गए, तो उसके बदले में कोई आपको रोल्स रॉयस, कोई एक मर्सिडीज दे दे, एकदम न्यू गाड़ी, तो आप खुश होंगे ना, है ना, ना कि वो खटारा लो गया। तो बुढ़ापा शरीर जल्दी छोड़ो यार इसको, जल्दी छोड़ो, सांस ले नहीं पाओगे, आंखों से दिखाई नहीं देंगे, कुछ खाओगे तो हजम नहीं कर पाओगे, हजम किए हो तो उसको ग्रहण करोगे तो निकाल नहीं पाओगे, एकदम बेकार है सब, कार्बोरेटर खराब है, उसके साउंड खराब है, उसके टायर खराब है, उसके बॉडी पार्ट्स खराब है, सब बेकार है, उसको फेंको, इसको फेंक के, है ना। अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि, नवानि देहि, है ना, नवानि देहि, ऐसा शरीर मिले जो और परिवर्तन ना करना पड़े, है ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा शरीर होना चाहिए।
चाहिए, अब तो ऐसा शरीर मिलना चाहिए, है ना, ऐसा शरीर मिलना चाहिए, तो फिर किसको ना चाहिए, है ना, किसको नहीं चाहिए बता। तो यहाँ पर वर्णन है जे गीता में कहा गया है कि जीव ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर को नष्ट होने बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्मों की धारणा को संस्कृत के मूल शब्दों के अर्थों से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है, सदैव रहता है, हमेशा के लिए रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ उष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं, उष्मा या प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हम जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चीर सहचर है, यह चीर सहचर उसका शाश्वत गुण है और वह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है, धर्म है ना, शाश्वत धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने, ये अगले का कल के है, सनातन गोस्वामी पाद ने यही पूछे थे, देखो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं अपना रहता ही किछु ही ना जाने, ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्यमनि, गांव के लोग पंडित कहते हैं किंतु अपना हित और अहित कुछ ना जानता है ना, कुछ नहीं जानता, के आमी के ने आमाए जारिता पुत्र यहाँ ना ही जानी आमी के मने हित, है ना, मेरे को पता नहीं मेरा हित कैसे है। तो मेरी सनातन, मैं सनातन हूँ, कृष्ण सनातन है, कृष्ण की जगत सनातन है ना, मैं सनातन हूँ, है ना, भगवान भक्त और भक्ति तीनों सनातन, तीनों सनातन। तो क्यों दुख झेले, क्यों दुख उठाए, दुखों में क्यों रहेंगे, दुखों में शुरू क्यों करेंगे, दुखों में क्यों मरेंगे, आनंद से रहेंगे, आनंदित होंगे, है ना, भगवान इसी संसार में रहते हुए कृष्ण से संबंधित रहेंगे, है ना, गुरु महाराज के कृपा से, श्रील प्रभुपाद के कृपा से मैं अपने परिचय के बारे में जानू, मैं अपने पहचान कराऊ, है ना, के आमी जानू तो सही मैं हूं कौन, के आमी चांदनी को से पात नहीं पसंद, के आमी हु एम आई मैं कौन हूं, है ना, के आमी केने आमाए मेरे को क्यों, केने आमाए जारे तापत्र है, तीन तरह तीन ताप क्यों जरा आता है, क्यों दग्ध करता है ना, यहां नहीं जानी आमी केमन हित आए और मेरे कल्याण कैसे होगा ये भी नहीं जानता। महाप्रभु ने उत्तर दिया था ना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के सेवक हैं, मैं सेवक हूं और किस तरह के सेवक हूं, नित्य कालों के सेवक हूं, एक ही परिचय। जमुनाचार्य जी कहते हैं, हे प्रभु, जमुनाचार्य जी कहते हैं ना, रावणाचार्य के गुरुदेव जमुनाचार्य कहते हैं, ऐसा ऐसा कौन सा दिन होगा कृष्ण कब मैं बोल पाऊंगा मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो आपका सेवक हूं और सेवक के रूप में मेरा परिचय, उस परिचय में परिचित हो जाओ, वो ही परिचय मेरे को सारे संसार के लोग मेरे को जाने, देखो कृष्ण के सेवक है, कृष्ण के सेवक है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के दास है, नित्य काल के दास है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी पहचान है ना, ये मेरी पहचान, ये मेरी भूल गए, भूल गए, भूल गए और भूल के दुखी होते हैं और भूल के सब सब उलट पालट देखते हैं, भयम द्वितीय अभिनिवेशता से ईषद अपतस्य विपर्जय स्मृति, द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश है हमारी, है ना, हम शरीर में अपने को जकड़ लिया, भौतिक संसार के छिन वस्तुओं में अपने को संबंधित कर देते हैं, जो चीज धीरे धीरे नष्ट हो रहा है उसी को शाश्वत मानते हैं और जो शाश्वत है उसको पता ही नहीं हमको, उनकी कोई पहचान ही नहीं है ना, इसलिए हम डरे हुए होता है, भयम, इसलिए भय उत्पन्न होता है, शरीर मरने वाला है मिटने वाला है उसी शरीर को बचाने के लिए हम तत्पर रहते हैं और जो हमेशा नित्य और शाश्वत काल तक रहने के लिए है उसकी कोई पहचान नहीं, उसकी पहचान जीव होने के नाते मैं कृष्ण के अंश हूं, है ना,
वो मेरे अंग से हैं, कृष्ण मेरे पिता हैं, मैं उनके पुत्र हूं, मैं डर किस चीज का, ये मेरा पहचान है। मैं अपने परिचय दोबारा प्राप्त कर लूं, मैं कृष्ण के चरणाश्रित हो जाऊं, मैं अपने घरों में चले जाऊं, बस मेरा काम समाप्त हो जाए सारे दुखों के। फिर नौकरी चाकरी नहीं करनी पड़ेगी, फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बिजनेस नहीं करनी पड़ेगी, है ना, रोज मरने की जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, है ना, और बॉस निकाल देंगे, काम काज नहीं करेंगे तो निकाल देंगे, है ना, डरे हुए रहते हम, बूढ़े हो रहे, बच्चे लोग घर में रखेंगे नहीं रखेंगे, है ना, भाई देखो जी बीमारी पकड़ लेंगे शरीर को, है ना यार, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, कितनी कितनी चीज है, पदम पदम जब भी पद अपना, हर पग पग पर यहाँ पर डरावना परिस्थिति है, यहाँ क्यों रहूं मैं, बताओ क्यों रहे, यहाँ से हम निकल जाएंगे, बिल्कुल भगवान कृष्ण के चरणाश्रित हो जाएंगे, मेरी मैं नित्य सेवक हूँ उनका, ये परिचय मेरा दोबारा प्राप्ति हो जाएंगे, दोबारा प्राप्ति हो जाएंगे। जमुनाचार्य जी कहते हैं हे कृष्ण, ऐसा कभी होगा, ऐसा मैं बोल पाऊंगा, मैं आपका ही सेवक हूँ और आप ही का सेवक हूँ, आप ही का ऐसा परिचय बोलते बोलते मैं घूम पाऊंगा इस संसार में, और लोग जान भी पाएंगे मेरे को, जान से पाएंगे, तो बहुत सुंदर है ना। श्रील प्रभुपाद चीजें है ना, बिल्कुल आपको हृदय आपको कलेजा बाहर निकाल के रखेंगे, खींच के रखेंगे, जब भी आपके मनो में ना दंड उत्पन्न होगा, जब भी आपको डर उत्पन्न होगा, आपने भूमिका पढ़ लीजिए, गीता को खोलिए, आपको पता, सोचो श्लोक पढ़ूंगा समझ में नहीं आ गया, आपने भूमिका के पढ़ना लाइन पढ़ना शुरू कीजिए, आपके हृदय भारी थे, आपके हृदय भारी थे, कृष्ण याद आ जाए, है ना, आपके काम बन जाए, आपके काम बन जाए, है ना। तिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं इस संसार में सब लोग दुखी हैं, है ना, दुख है हमारे जीवन में, और दुखों की कारण ये नहीं है, खान पान की कमी है, कपड़े वपड़े नहीं है, घर नहीं है, है ना, ये सब नहीं, मूल कारण है, मूल कारण है, और एकमात्र कारण है जीव कृष्ण से विमुख है ना, कृष्ण को याद कर ले, कृष्ण से संबंधित हो जाए, है ना, तो फिर उनकी आनंद की जीवन शुरुआत होगी, इसी संसार में शुरुआत हो जाएंगे, उनको गोलोक तो बाद में जाएंगे, शरीर छोड़ने के बाद, वो तो है ही, इसी संसार में शुरू से महात्मा नस्तमाम पार्थ दैविं प्रकृति मासिता भजंती अनन्य मनुष्य, वो व्यक्ति महात्मा कहलाते जो निरंतर कृष्ण के भजन करता रहता है, कृष्ण कृष्ण भाव भावना भावित रहता, वो महात्मा है, इसी संसार में महात्मा के रूप में परिचय हो जाएंगे, दुरात्मा की नहीं, हम लोग अभी दुरात्मा है, हम कृष्ण से दूर है ना, दुरात्मा है, कृष्ण के नजदीक है तो महात्मा है, हमारा सारे काम बनने वाला, सारे काम, सारे समस्या समाधान होने वाला है ना, समाधान होने वाला, प्रभुपाद क्या अद्भुत चीज प्राप्ति करा दी हम सब, गुरुदेव प्राप्ति कराए, भक्त जन प्राप्ति कराए, भक्ति के साधन प्राप्ति करा दिए, हमारी पुराना संबंध जो हमने भूल के करोड़ों जन्म वो याद दिला दिए, और किस तरह से हम अपने संबंधित हो पाऊंगे उनके लिए, अनेकों अनेकों वैष्णव जन प्रदान किए, अनेकों अनेकों भक्त प्रदान किए, नहीं तो कौन 3 बजे उठाए आपको बताया किसने उठाया आपको, रोज कौन याद दिलाए आपको बता, कौन याद दिलाए, है ना, अनेकों अनेकों भक्त दे, जीवन में भक्त है ना, आपके जीवन में साधु संघ है ना, भगवान कृष्ण ने पूरी कृपा कर दी, आपने सोचा भगवान कृष्ण ने इसको ठान ली जी, इस बार इस पुत्र को तुम्हें छोड़ने वाला हूं, इसको तुम्हें निकाल के ले जाऊं, जीवन में भक्त की प्राप्ति है ना, आपके अंतिम जीवन माने भौतिक संसार के अंतिम पड़ाव में आप है ना, तो डर किस चीज का है, हमारे पास सब कुछ है, इस बार देखो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, इस बार हम पार लग सकते, बिल्कुल लग सकते, है ना, अपने सनातन धर्मों में, अपने सनातन जगह पे, है ना, सनातन तत्वों से,
हम बिल्कुल अवगत हो सकते हैं, हम बिल्कुल 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 पहुंच सकते हैं, है ना। मुक्ति रहित्वा अन्यत्र स्वरूपेण व्यवस्थित, स्वरूप में व्यवस्थित हो सकते हैं, है ना, बिल्कुल हो सकते हैं। स्त्री शरीर हो, पुरुष शरीर हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, है ना, काला हो, गोरा हो, आप भारत के गांव में हो या शहर में हो, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, आप ब्रह्मांड में किसी भी क्षेत्रों में हो, है ना, आप कृष्ण के पास चले जाओ, आपकी सारी समस्या समाधान, सारी समस्या समाधान, सारी समस्या समाधान, है ना। कुएं हो, थोड़ा काम हो सकता है कुएं के पानी से, फिर तालाब हो जाए थोड़ा और हो, फिर झरना हो जाए, नदी हो जाए और, आपको पूरा पूरा समुद्र ही मिल जाए तो सारे काम हो जाएंगे, कपड़े भी धो दोगे, स्नान कर लोगे, पानी भी भर सकते, सब कुछ हो जाएगा, है ना, हर चीज हो जाए। कृष्ण है जीवन में तो आपकी सारी समस्या समाधान हो, सब कुछ प्राप्ति हो, छोटा मोटा काट काट के क्या करो, ऐसा कुछ करो जे समूल विनाश हो जाए, असंग शस्त्रे दृढ़ेन चित्वा, है ना, इस संसार रूपी वृक्ष जिसकी जड़ें पता नहीं कहां से शुरू हुई, है ना, और कितनी फैले हैं, तो इसको कृष्ण भावना भावित हो जाओ, उसी कुराली से प्रहार करो इसको, फिर देखो कट जाए, है ना, हम निकल जाएंगे। बहुत जलती, बहुत जलती, घर वापस जाने के लिए जलती होनी चाहिए, नहीं छुट्टी वुट्टी जमा करते हैं ना हम हमेशा, भाई अक्टूबर आए, नवंबर, दिसंबर में छुट्टी पड़ेगी ना, 25 दिसंबर तो घर जाएंगे हम, तो एक एक दिन गिनते हैं हमें, दिन गिनते दिन ऐसा गिनते हैं, तो हम अपने घरों में, शाश्वत घरों में वापस जाए तो हमको गिनना शुरू करना चाहिए, कब जाएंगे कृष्ण, जलती है, जलती जलना चाहते, खूब जलती जलना चाहते, हम सनातन है, आदि हूं मैं, मेरा अंत नहीं है, मेरा जन्म ही नहीं है, तो मृत्यु कौन, मेरे को मृत्यु की भय की ओर दिखाता है ना, मृत्यु तो मेरा शरीर की होगी, मैं तो मरने से पहले निकलूंगा। परीक्षित महाराज भागवत कथा सुन रहे थे, सुन रहे थे, तक्षक आके भी कथा स्थली में बैठ के सुन रहे थे, तो अंतिम श्लोक भागवत की वर्णन किए है ना, सुखदेव महाराज और बैसासन से उठ खड़े हुए, चलने लगे है ना, चल गए, पीछे मुड़ के देखे नहीं उनके भाई जिसके लिए कथा सुनाया गया उसको तक्षक ने काटा या नहीं काटा, उसका जीवन जिए या मरे वो कोई फर्क ना, सुखदेव महाराज नित्य मुक्त है ना, जिस तरह से उस तरह चल गए। परीक्षित महाराज भी मुक्त हो गए थे भागवत की कथा सुन के, तक्षक तो किसको काटेगा, शरीर को काटो, काट लो उससे पहले निकल पड़े, उससे पहले निकल पड़े, इस तरह से मृत्यु आके प्रहार करेगा ना, किसको प्रहार करो, अरे आप क्या करोगे, मैं तो निकल पड़ा उससे, उससे पहले निकल जाएंगे। इतनी सुंदर भक्ति होनी चाहिए हम सबों को, हम बोल पाए काल को रुक जाओ, बिल्कुल बाहर ही रुको, वहीं रुको, है ना, मारना आपको है ना, मारोगे ना, मारो मारो, बिल्कुल मारो, मेरे आपने देखो इस माला की अंतिम छोर पे हूं, मेरे को पूरा करने दो, पूरी करने दो मेरा माला, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरी हो गया, अब मारो, मैं तो चला, अब मार लो, है इस तरह से एक भक्त में अद्भुत शक्ति है, भक्ति में अद्भुत शक्ति है ना, कृष्ण के नामों में अद्भुत शक्ति है, कृष्ण के संग में अद्भुत शक्ति है, सनातन जीवन, सनातन संग, सनातन धर्म, इसी संसार में प्राप्ति हो जाता है भक्त को, है ना, इसी संसार में प्राप्ति हो जाता है, इसी संसार में प्राप्ति हो जाता है, शरीर तो यहां गिर जाएंगे, हम अपनी जगह में वापस चले जाएंगे, वापस श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, नीता गौर समय देख ली रात आए है, ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम।
सॉरी, हरे कृष्ण। किसी को कोई ऐड करना तो करिए, नहीं तो कल आप कर सकते इसमें हैं, और प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं, समय बहुत, समय हो गया, आप चला जाए। नहीं धन्यवाद आप सबों को, हरे आप कृष्ण ध्यान बोलिए। से सुन रहे। हरे कृष्ण, हरे बोल, हरे आपने जल्दी कर दी क्लास खत्म, मैंने बोल। 9 बजे नहीं, जगाई थी। नहीं, 9 बजे की क्लास नहीं है, 8 बजे की क्लास है ये। ये गीता की अच्छा ये आठ क्लास बजे की है। है। कोई अच्छा बात अच्छा नहीं, मैं कोई बात नहीं, भूल जल्दी हो गया। गई, अच्छा है आपको, से जल्दी लगा। मैं तो डर रहा था जो देर हो गया। नहीं, ठीक है अब आप बोलिए, शुरू ठीक है करते हैं, अब स्टार्ट है ना? करोगे स्टार्ट ना। ठीक है करेंगे, अरे स्टार्ट करेंगे, जरूर प्रणाम। करेंगे। ठीक है, आप सब लोग, धन्यवाद सबको, और अब श्याम सुंदर प्रभु को भी धन्यवाद है, और समस्त जनों की भी, श्रीवास प्रभु जी को भी धन्यवाद है। गीता की क्लासेस शुरुआत हुई, हम पढ़ने लगे, है ना? ये कुछ सब हमारे जीवन के सबसे सुंदर दिनों में से गिने जाएंगे। हम सब लोग एक साथ गीता क्लास में आएंगे, भाग लेंगे, और रोज इस तरह से सुनते रहेंगे, रोज इस तरह से श्रील प्रभुपाद के नजदीक रहेंगे, बहुत नजदीक, बहुत से नजदीक। आप चाहो तो टच कर सकते हैं, गुरु महाराज के साथ रहेंगे, भगवान कृष्ण के साथ रहेंगे, है ना? कृष्ण के साथ रहेंगे। धन्यवाद प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरे कृष्ण। तो